बंदा तो अपना अपना का भाई नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट में तो राजा हिंदुस्तानी भाई बड़ी छोड़ रहा था, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, बाप ने ही निकाल दिया। प्ले करें यार, आज मेरी बाई आंख बहुत फड़क रही है। अरे बाई आंख का फड़कना तो बहुत शुभ होता है, चारों तरफ से खुशियों के समाचार मिलेंगे। अरे काहे के समाचार मिलेंगे खुशियों के, मेरे लिए तो आखिरी खुशी का दिन वो दिन था जिस दिन मैं बाप बना था, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे लायक बेटे प्रेम ने मुझे खुश होने का मौका ही नहीं दिया। कमाऊ मैं उड़ाए वो, कमाऊ मैं उड़ाए वो। हाँ भाई, किस पर बिगड़ रहे हो? अरे अपने बेटे पर बिगड़ रहा हूँ, तुमको क्या है? तुम क्यों आए? भूल गए? हाँ, लाला जी के 500 रुपए देने। अरे काहे के 500 रुपए देने आज? लाला जी के 500 रुपए देने आज? हाँ देने तो देने देने हैं ना। ये रहे 100-100 के 5 कड़क नोट। अरे अरे प्रेम, डब्बा खुल कर गया। क्यों बहाने बना रहे हो? वो बेचारा तो वाह वाह स्टूडियो में बैठा हुआ है। वाह वाह इस स्टूडियो में बैठा हुआ है? अरे फिल्मी मलेरिया जॉनी, मेरे बेटे को लूटना है। अरे ये जॉनी जो है ना, इसने मेरे बाप को फिल्म में काम करने का चकमा देकर बंबई भेजा था, आज तक वापस नहीं लौटा। किसी किसी फिल्म की भीड़ में यूं खड़ा दिखाई देता है। मेरे बेटे को उल्लू बना रहा है जॉनी। डंडा किधर है? वाह 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 वाह, क्या चेहरा है, क्या थोपड़ा है, अपने ढंग का एक ही नमूना है। आका थु 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 थु। ये क्या? नजर नहीं लगी इसलिए थूका है। अच्छा गुरु जी, मैं स्टार बन जाऊंगा ना? बन जाऊंगा? अरे बन गए तुम स्टार यार, लाइट्स ऑफ। बस गुरु, अब तो कर दो वाह वाह प्रोडक्शन शुरू। यार शुरू हो गई है, अमिताभ से बात भी कर ली। लेकिन मैं हीरो तो तू ही रह जाना यार, वो तो तेरे बाप का रोल करेगा। चलेगा ना? चलेगा क्या, खुद खुद के चलेगा, खुद खुद के चलेगा। अमिताभ और मैं टन टन हम, बाप और बेटा टकटक, आपस में टक्कर टकटक टकटक। वाह क्या सीन है, गर्मा गर्म पावर प्रोडक्शन की चाय, ये लीजिए सरकार। अरे सब लिए ठंडा ले आओ जी। और सुनो, वो सुभाष घाई का फोन आने वाला था। वो हाँ आता ही होगा, आता ही होगा। मैंने सुभाष को मैंने तुम्हारी फोटोएं दी थी, उसे भी एक तुम्हारे जैसे थोबड़े की जरूरत है नई फिल्म के लिए, ड्रैकुला की मोहब्बत। हेलो, यप दिस इज जॉनी फ्रॉम वावा प्रोडक्शन। हेलो सर, मेरा नाम याद रखना। हेलो शुभ, सुभाष भाई का फोन है। सर मेरा भी नमस्ते। एक मिनट। हाँ हाँ, तो यार ये बोल, तस्वीरें पसंद आई तुझे? है पूरे बॉम्बे में धूम, इतना लोगों ने पसंद किया, वेरी गुड वेरी गुड यार। क्या नहीं, अच्छा तुम्हारी तस्वीरें माधुरी दीक्षित को दिख रही, क्या बोलती है वो, इसी के साथ में काम करेगी और किसी के साथ में नहीं? अरे कमाल हो गया, हाँ एक तस्वीर भी रखी है इसकी। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। नहीं ये, हाँ फिल्म में दो हीरोइन है, जूही से भी बात कर ली है, तुम्हारा एड्रेस उसने दिया है, यहाँ तुझसे मिलने आने वाली है, चलेगी ना दोनों? चलेगी चलेगी, क्या कुछ उठ यार, अबे उठ, अबे बात सुन, तेरा काम हो गया। हो गया उधर, हो गया वावा प्रोडक्शन की इज्जत का भागी पाला हो गया। बनिया कहता है कि अभी अगर 500 रुपया नगद उसको नहीं दिया तो वो यहाँ से कैमरा उठा ले जाएगा। मैं इंडस्ट्री को नए नए आर्टिस्ट देना चाहता हूँ और ये लोग मेरा कैमरा उठा के ले जाना चाहते हैं। अरे कैमरा लेके जाएगा ना, इसकी किस्मत थोड़ी ले जाएगा, तो दे दे कैमरा उसको। ए रुक रुक, पैसे देना चाहते दे दो। ये ले और इसके मुंह पे मार गया। अरे मुंह पर तो मैं मारूंगा तेरे 100 जूते, मेरी मेहनत की कमाई इस गंजे पे लुटा रहा है। पिताजी ये तो मुझे हीरो बना रहे। ये तुझे हीरो बनाएगा, खुद तो चपरासी बन नहीं सका। मेरी फिल्म में मैं आपको भी हीरो बनाऊंगा अंकल। अंकल अबे बहुत पुराना पापी है तू, मेरे बाप को झांसा दे चुका है, बच्चा बन रहा है, एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेवकूफ बेटे को और बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो सुई इस कान में घुसेड़ूंगा, इसमें से निकाल के तेरा कलाबत्तू बना दूंगा, बोलती बंद होती सुनी होगी, तेरी झुमकी बंद कर दूंगा।
पिताजी आप मुझे निकट्टू बोल दीजिए, टट्टू बोल दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। नमस्ते जी। नमस्ते के बच्चे, पिताजी ये मुझे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं तो हाथ में भीख का कटोरा पकड़ेगा। नहीं पिताजी, पिताजी हाँ, मुझे मेरी मंजिल एकदम सामने दिखाई दे रही है। सामने पुलिस स्टेशन है और शमशान घाट है। कौन सी मंजिल है बेटा तुम्हारी? ओह पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। क्या ये बात सच है कि आप हिंदुस्तान में शादी करने के लिए आई? राइट, हम शादी के लिए आया, इसमें हैरानी क्या है? इतने बड़े रईस राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी मिस रवीना, आपने तो पूरी दुनिया घूमी है, फिर आपने हिंदुस्तान को ही शादी के लिए क्यों चुना? आई मीन हिंदुस्तान के लड़कों को। और हमको लगता है कि इधर के लोग प्यार को बहुत प्यार करते हैं। यस, मेरा मतलब प्यार से नहीं, ये दिमाग नहीं दिल से काम लेते हैं। हमको भी एक ऐसा ही दीवाना चाहिए। मिलेगा मैडम, ये कंट्री ही दीवानों की है। एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं मैडम। यू नॉटी मैन। मैडम आपने कुछ बोला तो नहीं? आपने कुछ सुना तो नहीं ना? जी हमने कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोला, हम कुछ बोलेगा तो कुछ हो जाएगा क्या? यस मैडम, आप कुछ बोलेंगे, ये कुछ समझेंगे, थोड़ा कुछ समझेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेंगे, वहाँ कुछ छपेगा, और जो कुछ छप के आएगा वो अजीब सा कुछ होगा, और इस अजीब से कुछ में कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, कुछ न कुछ तो हो जाएगा। मिस कुछ कुछ? हाँ। आखिर आप है कौन कुछ कुछ? ये है करिश्मा, मेरी सेक्रेटरी कम फ्रेंड कम एडवाइसर कम अटेंडेंट कम कम कम। एक आखिरी सवाल, अगर आपको दो लड़के एक साथ मिल जाए, एक थोड़ा दिल वाला और एक दिमाग वाला, तो आप किसको पसंद करेंगे? दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरी मैडम को पसंद है लड़का थोड़ा दिल वाला और दिमाग वाला। राइट राइट। क्या रुस्तम सेठ नहीं है क्या? क्या गले पे पासीमा लगता है यार। अच्छा कैसे हो अमर? क्या अहमद भाई, स्ट्राइक खत्म नहीं हुई क्या? नहीं यार, चल रही है अभी तक। यार ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी कुछ समझ में नहीं आती। पता नहीं यार ये लीडर लोग क्या क्या करते रहते हैं, नुकसान तो हम ही लोगों का होता है ना। हाँ लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार। ओके अभी क्या साला फोकटन। ए नया है क्या, पैन चालू कर। ताला खटारा, कभी भी सर पे गिर सकता है। लंदन की अप्सरा भारत में योग्य दूल्हे की तलाश में, क्या झोकरी है रे, एकदम हीरोइन का माफिक कमाल है। शादी के लिए भारत आई है। अरे आगे पढ़ आगे पढ़। 50 करोड़ की जायदाद उसे मिलेगी जिससे वो शादी करेगी, और लंदन में 2 फैक्ट्री भी, स्विट्जरलैंड में हीरे का कारखाना भी, और एक फार्म हाउस भी है। अरे झोकरी क्या है यार, ये तो लॉटरी की टिकट है। टिकट? ए बस बस, ये न्यूज मेरे लिए छपी है। तेरे लिए छपी है? और नहीं तो क्या, ये मेरी हीरोइन है, मेरी। भाई जान तो यार कितना क्यूट लग रहा है यहाँ पे, तो पूरा भाई मस्ती कर रहा है, और बाप को बोलता है मैं हीरो बनूंगा, और जो हरामी था प्रोडक्शन वाला अपने यहाँ ही फोन लगा रहा है, बड़े डायरेक्टर का फोन लगाई है यार, कितना चूना लगाते हैं। भाईजान भी देखते हैं क्या करता है, बाकी बड़ा मजा आ रहा है यार। ये सेकंड पार्ट भी ना बहुत अच्छा लगा। ये तो सेकंड पार्ट तो पहले से भी ज्यादा अच्छा था यार। इस बार तो भाईजान को भी देखा, बाकी यार ये प्रोडक्शन वाला बड़ा हरामी था, उधर से ही वो एक फोन लगा रहा है। भाई बड़ा डायरेक्टर अमिताभ बच्चन फोन कर रहा है, बात कर रहा है, तुम सेलेक्ट हो गया तुम। अच्छा आवाज का बाप आ गया भाई, इसको लेकर गया चला गया भाईजान को, वरना ये 500 का चूड़ा लगा देता भाई। हाँ भाई आज मजा आ गया देखकर यार, खासकर भाईजान की जो एंट्री थी ना, बस यहाँ पर छोटा लग रहा था और एकदम चिकना लग रहा था, खासकर भाईजान। ये दूसरा और फोटो वाला था, वो भी बड़ा हरामी था भाई, उसकी तरह तरह की फोटो निकाली, भाईजान को बड़े सपने दिखा रहा था।